ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग ले लिया, पोल एंड पोलर। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझना। एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चंस तो आ जाता है पर समझ में नहीं आता कि ये पोलर पोलर का है। तो एकदम ध्यान से समझना एक्चुअली यहाँ पर कर कह रहे हैं। ठीक है, पोल किसको बोलते हैं, पोलर किसको बोलते हैं, सब समझ में आ जाएगा, बस ध्यान देते रहो। ठीक है, क्या किया समझो, मैंने यहाँ पर एक कोई भी कर्व ले लिया। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ किसी भी कर्व के लिए बात कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि ये सर्कल ही हो, ये कोई भी कर्व हो सकता है ये। तो फिलहाल मैंने अभी क्या किया, मैंने बोल दिया कोई भी, चलो ऐसे कोई कर्व है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिया इधर। ठीक है, इसको बोल दिया ये पॉइंट क्या है, फिक्स है। अरे सर मैं क्या कर रहे हैं, ठीक है कोई भी एक कर्व ले लिया मैंने, एक पॉइंट ले लिया, फिर मैंने यहाँ से क्या किया, इस तरह से कॉर्ड्स बना दिए। ठीक है, इस पॉइंट से बहुत सारे कॉर्ड्स बना दिए इस पर्टिकुलर कर्व को। ओके, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर इनके जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे ये एक एंड पॉइंट हो गया, ये एक एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, इस एंड पॉइंट से मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ बनाया। यहाँ पर एक टेंजेंट बनेगा, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेंजेंट बना दिया इसे। मैंने क्या बोल दिया, ये ए वन बोल दिया, इसको बी वन बोल दिया, और उसको मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोल दिया, लेट्स से एक्स वन बोल दिया। समझ में आ रहा क्या कर रहा है। वैसे सेम मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ये लिया और एक ये लिया, इसको भी मैंने क्या किया, यहाँ से भी एक टेंजेंट बनाया। ठीक है, और फिर क्या किया, यहाँ से भी मैंने क्या किया, एक टेंजेंट बना दिया। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, एक यहाँ पर कोई कर्व दे रखा है, देखो ध्यान दो, यहाँ पर कोई कर्व ऐसे दे रखा है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ से मैंने बहुत सारे कॉर्ड्स बना दिए जो इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैंने क्या किया, पैर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉप कर दिया, तो कहीं ना कहीं जाके तो वो मीट करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर भी ये जो मीट कर रहे हैं, चलो मैंने इसको क्या बोल दिया, ए टू बोल दिया, एंड इसको बोल दिया बी टू बोल दिया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोल दिया, एक्स टू बोल दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक चीज यहाँ पर नोट किया कि जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं वो पर्टिकुलर एक ही लाइन पे लाई करेंगे। मतलब ये एक लाइन अगर मैं खींचूंगा तो सबके जो टेंजेंट्स के जो इंटरसेक्शन हैं वो कहाँ मीट करेंगे, इस लाइन पे मीट करेंगे। हम धीरे धीरे आ रहे हैं कि हम पोल किसको बोलते हैं, पोलर किसको बोलते हैं। फिलहाल तो तुम बस इतना समझो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई कर्व दे रखा है, चलो फिलहाल अभी तुम सर्कल मान लो। ठीक है, चलो एक सर्कल दे रखा है एक पॉइंट पी से, पॉइंट पी क्या है, अभी बाहर है फिलहाल, वहां से मैंने क्या किया, कॉर्ड बना दिए बहुत सारे, उस कॉर्ड के एंड पॉइंट से, उस कॉर्ड के एंड पॉइंट से मैंने क्या किया, टेंजेंट बनाया। जब मैंने टेंजेंट बनाया तो मैंने देखा कि टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बहुत सारे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉर्ड बनेंगे तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। वो जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मैंने क्या किया, कलेक्ट किया, तो मुझे पता चला कि वो क्या कर रहा है, एक लाइन पे लाई करता है। ठीक है, अब तुम समझो कि ये जो लाइन ये है एल, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, पोलर। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है इसको मैंने क्या नाम दे दिया, पोल। आई होप तुम्हें समझ में आना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज अ पोलर, तो पोलर क्या हो जाएगा, पोलर एल हो जाएगा ऑफ अ पॉइंट पी। मतलब ऐसे लिखते हैं इसको, पोलर ऑफ अ पॉइंट पी। और यहां पर पोल कैसे लिखूंगा, पोल ऐसे लिखूंगा, पोल ऑफ अ पोलर एल, इस तरह से। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल तुम क्या करो, अभी ये चीज देखो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं इसको। ओके, तो एक काम किया कि इसको फिर से बना दिया, और एक एक चीज लिखना यहाँ पर शुरू कर दिया। तो क्या कैसे बनाया था इसको, एक तो इस तरह से बनाया था, यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। चलो मैं अभी फिलहाल सर्कल ही बोल रहा हूँ। यहाँ से कॉर्ड बनाया, यहाँ से कॉर्ड बनाया, यहाँ से कॉर्ड बनाया, उसके बाद क्या किया, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से मैंने टेंजेंट बनाया, यहाँ पर बना, चलो इधर बन गया, इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से इधर बनाया, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो गया, तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये एक लाइन पे लाई कर गया। ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली पोलर बोलते हैं। तो मान लो कि अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ पोलर की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग पोलर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उसके आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, पोल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब मैंने क्या किया, इसको अच्छे से लिखना शुरू कर दिया। तो देखो कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख दिया, इट इज अ लोकस ऑफ इंटरसेक्शन, पढ़ते जाओ समझते जाओ, इट इज अ लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, तुम देख सकते हो इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट हो रहा है। ठीक है, ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ वेरिएबल कॉर्ड थ्रो
फिक्स्ड पॉइंट, किसको बोल रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर पोल को बोल रहे हैं, ठीक है। देखो फिर से पढ़ो, इट इज द लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन एट द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ वेरिएबल कॉर्ड। वेरिएबल कॉर्ड किसको बोल दिया, ये यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन लाइंस खींची हैं, ठीक है, वेरिएबल कॉर्ड ये सब, ये सब क्या है, सब वेरिएबल कॉर्ड्स हैं। थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट मतलब यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट किसको बोल दिया, पॉइंट पी को बोल दिया। ओ पॉइंट पी क्या है मेरा, बेसिकली पोल है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी, पोलर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पोलर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं डेफिनेशन। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट पी लिख दिया, विल बी अ स्ट्रेट लाइन, मतलब मैं स्ट्रेट लाइन अब किसको बोल रहा हूँ, पोलर को बोल रहा हूँ, मतलब उसके लोकस को बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो चालू कैसे हुआ, इट इज अ लोकस, ठीक है, लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स, और उसके बाद तुम यहाँ पर आ जाओ कॉमा के बाद, विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मैंने क्या तुम्हें बोला कि जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे अगर मैं उनको ज्वाइन करूंगा, तो मैंने एक चीज यहाँ पर देखा कि ये क्या कर रहा है, लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। विल बी अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड पोलर ऑफ अ पॉइंट पी एंड इट्स इक्वेशन विल बी टी इक्वल, लिखते जाओ अभी, टी इक्वल टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू पी, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डेफिनेशन लिख दिया पोलर का, और हमने यहाँ पर क्या क्लेम कर दिया कि इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो मैंने तुम्हें सिखाया था कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी हम लोग ये चीज कर चुके हैं पहले, ठीक है, पहले वाले कॉन्सेप्ट में। तो उसका जो इक्वेशन होगा क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, ठीक है। तो पहली बात तो चलो हमने क्या किया, याद कर लिया कि हाँ टी इक्वल टू जीरो है, पर यहाँ पर डाउट ये आता है कि टी इक्वल टू जीरो कैसे हो सकता है, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो अगर यहाँ पर पॉइंट पी बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, अब सोचना पॉइंट पी कोई भी बाहर लाई कर रहा है कर्व के लिए, और अगर मैं यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो लिखता हूँ तब तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है। देखो ये चीज हमने डिस्कस किया था कि समझो कोई इस तरह से कोई कर्व दे रखा है, और अगर यहाँ पर पॉइंट पी इधर लाई करता है, तो टी इक्वल टू जीरो मैंने क्या बताया था कि यहाँ से टेंजेंट बनाओ, यहाँ से टेंजेंट बनाओ, इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा यही तो होता है टी इक्वल टू जीरो। तो इस केस में अगर यहाँ पर पॉइंट पी बाहर है तो मैं पोलर को कैसे लिख रहा हूँ टी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मुझे ये बोल देना चाहिए कि अगर पॉइंट पी जो बाहर है और अगर मैं उसके लिए जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल रहा हूँ एक्चुअली वही पोलर है, ऐसे बोलना चाहिए मुझे तो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट पी बाहर है और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी मैं टी इक्वल टू जीरो निकाल के बनाऊंगा, और पोलर की इक्वेशन भी अगर मैं टी इक्वल टू जीरो बना के निकालूंगा, तो इसका मतलब इक्वेशन तो आइडेंटिकल आ जाएगी, इक्वेशन आइडेंटिकल आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया। तो यहाँ पर हमने एक चीज क्या नोटिस किया कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही क्या होगा, पोलर होगा। अरे समझ में कैसे, अब देखो ये चीज कैसे हो रहा है तुम इस चीज को समझो। समझो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक डायग्राम फिर से बना लिया ऐसे, मैंने यहाँ पर क्या किया कॉर्ड डालना शुरू कर दिया, एक ये कॉर्ड डाला, ठीक है, फिर और बहुत पास में कॉर्ड डाला, ठीक है। एक कॉर्ड ऐसा होगा जो यहाँ पर एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, मतलब इसीलिए वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा इधर, ठीक है। अगर समझो मैंने उसको और मैग्नीफाई किया, ठीक है, जैसे इसको इस तरह से मैग्नीफाई किया, तो यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है जो यहाँ पर बेसिकली टेंजेंट बन रहा है, मैंने मान लिया कि चलो ऐसे काट गया वो, ठीक है, इस तरह से काट गया ये, तो क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड बन गया एक, इसके लिए ये जो कॉर्ड बन गया, मैंने क्या किया इसको मैग्नीफाई किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने उसको मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है, मैग्नीफाई ग्लास लगा के उसको मैंने मैग्नीफाई कर रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। तो मान लो चलो इस तरह से आ जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ से मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा, कैसे, ये एक टेंजेंट बनाया, और फिर मैं क्या बोलूंगा, यहाँ से एक टेंजेंट बनाया, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट होगा इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पे लाई करेगा, पोलर पे लाई करेगा। फिर तुम क्या करो, और पास लेके आओ, जब तुम और पास लेके आओगे तो ऐसा होगा कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो और नीचे आ जाएगा और इधर ही बन जाएगा ये पॉइंट। मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चलो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो कैसे बनता है, अगर मैंने टेंजेंट्स ड्रॉप किया उसकी लाइन को ज्वाइन करके, ओके, और यहाँ पर पोलर कैसे बनता है, मैंने कॉर्ड्स ड्रॉप कर दिया उससे उसके एंड पॉइंट से, मैंने अगर टेंजेंट्स बना रहा हूँ तो वो पोलर पे लाई करेगा। मतलब बेसिकली सेम चीज ही हो रही है। देखो मैंने अगर यहाँ पर डायग्राम में इस तरह से बना रहा, इधर देखो डायग्राम को, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बेसिकली इसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही लाई करेगा, इधर इसका यहाँ पर ये जो कॉर्ड ये है, यहाँ से मैंने अगर टेंजेंट बना दिया तो इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या करेगा, मतलब सॉरी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही लाई करेगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने इसको मैग्नीफाई करके बताया कि अगर मैं इसको मैग्नीफाई करता हूँ तो ये जो पॉइंट होगा बेसिकली एक बार आके यही पॉइंट पे आ जाएगा। देखो इस लाइन पे मैं बोल रहा हूँ, इसी पॉइंट पे आ जाएगा और इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो इंटरसेक्ट आ जाएगा, वहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है और वहीं पे क्या हो रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लिया कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही बेसिकली क्या होता है,
पोलर होता है. तो पोलर ऐसा कोई डिफरेंट चीज नहीं है, वो तो बस एक नाम ले लिया है पोलर. तो अगर मैं बोलता हूँ कि पॉइंट पी बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही पोलर होगा, तो सही है. हाँ, पर ये तो सिर्फ किसके लिए, अगर पॉइंट पी बाहर होगा. अगर पॉइंट पी अंदर है तब तो हो सकता है कुछ और हो. अगर यहाँ पॉइंट पी कर्व पे लाई कर रहा है तब तो कुछ और हो सकता है. आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं. ठीक है, जो कि ये पोलर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया और हमें पता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को टी इक्वल टू जीरो के लिए लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि इक्वेशन ऑफ पोलर को भी तुम कैसे लिखोगे, टी इक्वल टू जीरो. आई होप तुम्हें समझ में आ गया हम लोग ने क्या किया. ठीक है, तो अगर समझो कोई भी पॉइंट पी दे रखा होगा, कोई तुम्हें पूछ रहा है कि एक काम करो मुझे पोलर की इक्वेशन बताओ, तो तुम क्या कर दो, सिंपली टी इक्वल टू जीरो कर दो. और टी इक्वल टू जीरो करना तो हमने सिखा ही है. आई होप दिस इज फाइन. अब क्या करते हैं, थोड़ा बात और कर लेते हैं इसमें, थोड़े नोट्स लिख लेते हैं इसमें. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लिखना शुरू किया. नोट वन मैंने यहां पर क्या लिखा, चलो नोट वन वही लिख लेते हैं. इफ पॉइंट पी इज आउटसाइड द कर्व, सिर्फ कर्व की बात की है, ठीक है, कोई भी कॉनिक कर्व, कोई जरूरत नहीं है यहां पर ये सर्कल हो, कोई भी कॉनिक कर्व हो सकता है, ये इस चीज को ध्यान रखना. इज आउटसाइड द कर्व, देन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट will be the polar, ठीक है, and its equation can be written as, so लिख चुके हैं basically, can be written as t equal to zero with respect to point P. I hope तुम्हें समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं. उसका डायग्राम कैसे बनेगा, exactly वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले बनाया. ठीक है, तो ये क्या हो गया, नोट वन हो गया. उसके बाद हमने क्या किया, चलो ऐसे लिख लिया. नोट टू मैंने क्या बोल दिया, अभी तो मैंने क्या किया था, पॉइंट पी को बाहर लिया था. अगर उसमें मैंने पॉइंट पी को कर्व के ऊपर ही ले लिया, ठीक है, तुम देखते जाओ यहाँ पर क्या हो रहा है. अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट पी को इस तरह से ही ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने इधर ही फिक्स कर दिया उसको, एक पॉइंट को इधर ही ले लिया, और मैंने यहाँ से बोला अब तुम इसका मुझे पोलर बनाओ, तो तुम क्या करोगे, अच्छा पोलर बनाना है तो मुझे यहाँ से कॉर्ड बनाना है, तो यहाँ से मैंने कॉर्ड कैसे बना दिया, एक कॉर्ड ये 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 बना दिया. तो एक चीज़ को तो मैंने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि जितने भी यहाँ पर कॉर्ड्स जो बनेंगे उसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स ही रहेगा. अरे समझ में, मैंने क्या बोला, कितने भी कॉर्ड्स बन जाए यहाँ पर उसका एक एंड पॉइंट तो क्या होगा, फिक्स ही रहेगा, जो कि एंड पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, पी होगा. क्यों, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं कर सकता, फिक्स पॉइंट है. ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, कैसे बनाते हैं पोलर, तुमने क्या किया, जितने भी कॉर्ड्स के एंड पॉइंट है, ठीक है, जितने भी कॉर्ड्स के एंड पॉइंट है उस पर तुम क्या करो, टेंजेंट बनाओ. तो तुमने क्या किया, एक तो टेंजेंट तुमने ऐसे बना दिया इधर, ये पी वाले पॉइंट पे, और एक टेंजेंट कैसे होगा, इधर हो जाएगा. अरे समझ में क्या कर रहे हैं. ठीक है, इसकी इस वाले के लिए क्या होगा, अब देखो पी वाले जो पॉइंट पे तो टेंजेंट एक ही बनेगा, चाहे कितनी भी कॉर्ड हो जाए, पी वाले पॉइंट पे तो टेंजेंट एक ही बनेगा. ठीक है, तो एक टेंजेंट तो मतलब क्या हो गया, इधर फिक्स ही होने वाला है, मतलब ये वाला टेंजेंट मूव नहीं करेगा. कौन सा टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये वाला टेंजेंट कभी मूव नहीं करेगा. दूसरे टेंजेंट्स कैसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे कि अगर यहाँ से मैंने टेंजेंट बनाया तो यहाँ पर आके मीट कर गया. तो तुम देख सकते हो इस केस में ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, जिसको मैंने एक्स वन बोल दिया, जिसको मैंने यहाँ पर एक्स टू बोल दिया, कहाँ आके मीट कर रहा है. बेसिकली देखा जाए तो ये वहीं आके मीट कर रहा है जहाँ पर मैं पॉइंट पी पे टेंजेंट बना रहा हूँ. ठीक है, एक बार हमने फिर से इसको रिपीट कर दिया. क्या बोला, पॉइंट पी को मैंने कर्व के ऊपर ले लिया, वहां से मैंने वेरिएबल टेंजेंट्स बनाए. हमने क्या नोटिस किया कि जितने भी यहाँ पर टेंजेंट बन जाए उसका एक एंड पॉइंट दैट इज पॉइंट पी, वो तो कर्व पे लाई करता है, इसलिए वो क्या हो गया, फिक्स हो गया. ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, पोलर अगर बनाना है तो टेंजेंट्स के सॉरी कॉर्ड के एंड पॉइंट से तुम क्या करो, पैर ऑफ टेंजेंट्स बनाओ, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो. तो मैंने क्या किया, पैर ऑफ टेंजेंट्स बनाना शुरू किया. पर अगर यहाँ पर जो कि यहाँ पर पॉइंट पी यहाँ पर फिक्स है, तो टेंजेंट तो यहाँ पर एक ही बनेगा, और बाकी जितने भी जो टेंजेंट होंगे वो इसी टेंजेंट को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. इसी तो मैं समझ में आना चाहिए, देखो ये तो मूव ही नहीं करेगा. ठीक है, ये जो लाइन है ये तो मूव ही नहीं करेगा, मतलब जितने भी बाकी टेंजेंट हैं वो क्या करेंगे, इसको इसी पॉइंट पे तो आके इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब उसी लाइन पे तो उसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा. तो मैंने देखा अगर वो उसी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, फिर इसका मतलब ये है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे अगर जो मैं पोलर बनाऊंगा उसकी इक्वेशन तो यही हो जाना चाहिए जहां पर पॉइंट पी को मैंने टेंजेंट बनाया. मतलब इस केस में समझना, इस चीज में, इस केस में जो पोलर है
वो बेसिकली टेंजेंट बन गया है पॉइंट पी पे, और मुझे पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन अगर मुझे निकालना है और अगर मुझे पॉइंट पी दे रखा है जो कर्व पे लाई करता है, तो उसके लिए होता है टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर भी पोलर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू जीरो। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि चीजें अब जनरलाइज हो रही हैं कि टी इक्वल टू जीरो ही पोलर की इक्वेशन होगी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है हमने क्या किया। ठीक है, अच्छे से देखो, डायग्राम बनाओ खुद से, तुम्हें समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, इसको लिखना चालू कर दिया। कैसे लिखा इसको, इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द कर्व, ठीक है, इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन द कर्व देन टेंजेंट एट पी विल बी द पोलर ऑफ अ पॉइंट पी। ठीक है, और उसकी इक्वेशन क्या होगी, टी इक्वल टू जीरो। तुम लिख सकते हो चाहो तो पूरा, एंड इट्स इक्वेशन विल बी कैन बी रिटन एज टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, कैन बी रिटन एज टी इक्वल टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू पी। ऐसे ही होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि पॉइंट पी यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, चलो लिख देते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट पी यहाँ पर क्या है, इस पे लाई कर रहा है, कर्व पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट पी अगर कर्व पे लाई कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो टेंजेंट, एक जो टेंजेंट बनेगा वो क्या हो गया यहाँ पर, फिक्स हो गया। तो अगर एक टेंजेंट यहाँ पर फिक्स हो गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएंगे, एक फिक्स टेंजेंट पे तो आएंगे। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसके, टेंजेंट्स के, वो पर्टिकुलर इस फिक्स टेंजेंट के ऊपर ही आएगा। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर इसी टेंजेंट के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब टेंजेंट ही यहाँ पर क्या बन गया, पोलर बन गया। तुम चाहो तो अपने वर्डिंग्स में लिख लो इसको। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है हमने क्या किया था।